नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई आर शो में। तो दोस्तों, टर्की को पाकिस्तान के साथ जो अपनी दोस्ती थी उसको निभाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, और उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट भी टर्की को देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों, FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें जो है पाकिस्तान के साथ साथ अब टर्की को भी शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान तो पहले से था, लेकिन उसका अब साथ देने के लिए टर्की भी उस लिस्ट में शामिल हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तो रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट, टर्की न्यू एडिशन। तो यहाँ टर्की के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है, और उसने जो है पाकिस्तान का कंधे से कंधा मिलाते हुए अपने आप को ग्रे लिस्ट में शामिल करवा लिया है। हालांकि पाकिस्तान तो जाने रहे, वो ऑल टाइम परफॉर्मर है, वो FATF की जो लिस्ट है उसको हमेशा टॉप करता है, और इस बार भी उसने ग्रे लिस्ट को टॉप ही किया है। हाँ, बस ये बात अलग है कि उसने अपने दोस्त को भी इस बार बुला लिया कि आओ भाई तुम भी हमारा साथ दो। तो इसलिए अब टर्की ने साथ निभाने के, जो अपने आप को खलीफा बनने की जो उसकी ख्वाहिश थी उसको पूरा करते हुए पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और अपने आप को ग्रे लिस्ट में शामिल करवा लिया। तो अब दोस्तों, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि FATF क्या है और इसकी ग्रे लिस्ट इससे क्या मतलब है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट में मैं बताऊँ तो आपसे बस यही समझिए कि 1989 के आसपास में FATF की जो है स्थापना हुई थी, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो मेन जो कंसर्न है वो ये है कि किसी भी तरीके से वर्ल्ड में जो, चाहे वो एक आप कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी ब्लैक्स है पैसे को वाइट करना वो, लेकिन दोस्तों जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो उसका जो पर्पज़ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा ही देना चाहिए। साथ ही साथ इसके अलावा जो टेरर फंडिंग की जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो टेरर फंडिंग के लिए काम कर रहे हैं, जो देश होते हैं जो टेरर फंडिंग के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके ऊपर लगाम लगाना होता है। तो दोस्तों, इसी की स्थापना की गई थी। इसका जो बेसिक उद्देश्य था वो टेरर फंडिंग को रोकना, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को रोकना फंडिंग से, साथ ही साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको भी कंट्रोल करना है। तो अब मज़ेदार बात यह है कि देखिए, इसलिए दोनों ही क्राइटेरिया में, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फंडिंग, दोनों ही क्राइटेरिया में अभी तक पाकिस्तान ने ही टॉप किया था। पाकिस्तान को ही समझा जाता था कि वही सबसे अच्छा डिजर्व करता है इस कैटेगरी में, और पाकिस्तान देखिए एक सोल विनर था, उसको कोई यहाँ तक टच नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब की जो FATF की जो मीटिंग हुई और उसमें जो FATF का जो एक पर्सनल स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि टर्की को इसमें इसलिए शामिल किया गया क्योंकि टर्की जो है उसने इन दोनों ही क्राइटेरिया में जो है वो ये पर्याप्त सबूत मिले हैं कि उसने दोनों ही क्राइटेरिया में अपने आप को फेल किया, यानी उसने कॉम्प्लायंस को फेल किया FATF के, यानी उसको इसमें भी पाया गया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग भी की है, और साथ ही साथ उसको इस चीज़ में भी दोषी पाया गया कि उसने टेरर फंडिंग की है टेरर आउटफिट्स को, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को। और साथ ही साथ दोस्तों, टर्की के साथ साथ यहाँ पे जॉर्डन और साथ ही साथ बाली को भी जो है यहाँ पे शामिल किया गया है FATF की ग्रे लिस्ट में, यानी न्यू एडिशन में बाली भी शामिल हुआ है, जॉर्डन भी शामिल हुआ है। और दोस्तों, जॉर्डन अपने आप को हमेशा चर्चा में बनाए रखता है, और किसी ने नहीं सोचा था कि जॉर्डन भी इसमें शामिल होगा, लेकिन ये पाया गया कि जो सीरिया में जो टेरर आउटफिट्स हैं वहाँ पे जॉर्डन जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स को फंडिंग कर रहा था। लेकिन टर्की को ये पाया गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग तो करवा ही रहे हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग करने के साथ साथ ये जो टेरर फंडिंग है और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो सीरिया में हो या अफगानिस्तान में हो, हर जगह ये उनको फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों में इनको पाकिस्तान के इक्वल पाया गया। अब यहाँ पे टर्की खुश हो सकता है कि उसने कम से कम पाकिस्तान का साथ निभाते निभाते उसका जहाँ तक उसका निभाना चाहिए था वहाँ तक उसका साथ निभाया। अब दोस्तों, ग्रे लिस्ट में शामिल होने से नुकसान ये होता है कि आपको जो फंडिंग होती है, जैसे आप IMF से लोन लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, तो इन सब जगहों से लोन मिलने में आपको काफ़ी आसानी होती है। तो अब ये जो आसानी है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिनाई में तब्दील हो जाएगी, जिसका असर भी अब टर्की के ऊपर दिखने लगा है। और टर्की की इकनॉमी जो कि काफ़ी समय से गिर रही थी, उस गिरती हुई इकनॉमी में एक सबसे बड़ा झटका इस ग्रे लिस्ट से लग जाएगा, और उसका असर भी अब दिखने लगा है क्योंकि टर्की की जो करेंसी है लीरा वो बहुत तेज़ी से अब गिरने लगी है। वहाँ के जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के नज़रिए से बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये न्यूज़ ख़राब क्यों है, क्योंकि दोस्तों देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साथी बनने की कोशिश कर रहा था टर्की, हालांकि उसका जो उद्देश्य है वो खलीफा बनने का है, और अर्दोगन ने खलीफा बनने के चक्कर में टर्की को पूरी तरीके से बर्बाद करने के पूरा इंतज़ाम कर लिया है। तो अब इससे पाकिस्तान को नुकसान ही होगा कि FATF की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें बचाने के तौर पर एक चीन साथ देता था, मलेशिया और टर्की। तो होता यह है कि इनका जो कंपोजिशन और इनका जो क्राइटेरिया मैकेनिज़म है वो ऐसा है कि अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालना है तो कम से कम
सबका जो है बहुमत से इनको मिलना चाहिए। और अगर मान लीजिए दो लोगों ने भी अगर पाकिस्तान के फेवर में डाल दिया कि इनको ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहिए, तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में डलने से बच जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं टर्की और मलेशिया उसका साथ देते थे, हालांकि मलेशिया पीछे हुआ लेकिन अभी भी टर्की और चाइना साथ देते थे। तो अब टर्की भी खुद ब्लैक ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है, तो ग्रे लिस्ट में शामिल होने की वजह से अब टर्की जो है वो कहीं से वोटिंग डाल के पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। तो अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल हो सकता है। तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा झटका है, और टर्की के लिए तो झटका है ही है। वो जिस तरीके से अपने आप को बर्बाद करता जा रहा है एर्दोगन के नेतृत्व में, टर्की भी आने वाले समय में एक हो सकता है कि क्राइसिस वाली कंट्री देखने को मिले। और अंत में मैं यही कहूँगा कि ये फिर से जो है भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भारत कुछ नहीं करता, उन लोग के लिए ये जवाब है। और कहीं ना कहीं दोस्तों भारत की जो टिट फॉर टैट की जो इस समय फॉरेन पॉलिसी चल रही है, ये कहीं ना कहीं उसी का उदाहरण जो है वो पेश करती है दूसरों के सामने। तो दोस्तों आप लोग की भारत की इस बदलती हुई विदेश नीति पे और ख़ासतौर से इस पूरे इशू पे क्या राय है, उसको अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ फेसबुक वगैरह और दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।